हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा आज का, आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? कब किया था? 820 में। ठीक है, केदारनाथ कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में। और इन्होंने, ठीक है, और ये कहाँ पर, ये इन्होंने एक नारद की मूर्ति को कहाँ से निकाला था? कहाँ से निकाला था? नारद कुंड से निकाला था। कौन से कुंड से? नारद कुंड से। कहाँ पर स्थापित की थी इन्होंने? बद्रीनाथ में की थी स्थापित। कहाँ पर? बद्रीनाथ में स्थापित की थी मूर्ति। ठीक है, शंकराचार्य जी ने। और देह त्याग कब किया था? 820 में, केदारनाथ में। केदारनाथ कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उच्च न्यायालय स्थित है, उच्च न्यायालय कहाँ पर है? नैनीताल में। इसकी स्थापना कब हुई थी उच्च न्यायालय की? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। जिस दिन हमारा राज्य बना था उसी दिन उत्तराखंड उच्च न्यायालय बन गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना तिथि कितनी है? कितनी है? 9 नवंबर 2000 है। ठीक है, और इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था? 1 जनवरी 2007 को नाम परिवर्तित हुआ था इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड का परिवर्तित हुआ था, यह भी बताया था मैंने। कब हुआ था? 1 जनवरी 2007 को हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में पालकी योजना का संबंध किससे है? पालकी योजना स्वास्थ्य सुविधाओं से है। पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, इसलिए वहाँ पर क्या है? पालकी सुविधा है। लोग पालकी में डालते हैं, जो भी मरीज होता है, रोगी होता है, उसे लाते हैं और रोड मैन रोड तक फिर एम्बुलेंस में उठाते हैं। इसलिए कहा उत्तराखंड पालकी योजना कैसे संबंधित है? चिकित्सा से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? संगोली की संधि कब हुई थी? 1816 में हुई थी। वैसे कहीं कहीं आपको 1815 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 1815 में हो गई थी, लेकिन ये स्वीकृत कब हुई थी वैधानिक रूप से? 1816 में। ठीक है, 1816 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? 1804 में किया था, 14 मई 1804 को किया था, खुड़वड़ा युद्ध में। खुड़वड़ा का मैदान पड़ता है कहाँ पर? देहरादून में पड़ता है खुड़वड़ा मैदान। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? किसे दी गई है? तेलू रोहतली जी को। किसे? तेलू रोहतली जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ऋषिकेश में है। ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? देहरादून में है। ठीक है, इसी को ही एम्स कहते हैं, एम्स भी सही कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थित है तो कहाँ पर है? गोपेश्वर चमोली में है। ठीक है, कहाँ पर है? गोपेश्वर चमोली में है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर सेंटर स्थित है कहाँ पर है? रुड़की में है। याद रखना, रुड़की में हमारा, यहाँ रुड़की हमारा कहाँ, सबको पता है कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। और आपको पंचप्रयाग याद रखने हैं, पंचप्रयाग कौन कौन से हैं हमारा? अलकनंदा मंदाकिनी का तो पता है कहाँ होता है आपका? रुद्रप्रयाग में होता है। फिर अलकनंदा भागीरथी का कहाँ होता है? अलकनंदा भागीरथी का आपका देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा नंदाकिनी का कहाँ होता है? अलकनंदा नंदाकिनी का नंदप्रयाग में होता है। अलकनंदा पिंडर का कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और धौली गंगा का कहाँ होता है? या विष्णु गंगा का? विष्णुप्रयाग में होता है। पंचप्रयाग याद रखना, ये पंचप्रयाग है हमारे। अगला प्रश्न है हमारा, पेशावर कांड के नेता कौन थे? वीर चंद सिंह गढ़वाली जी थे। कौन? इन्होंने अफगानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। जो पेशावर कांड कब घटित हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। 23 अप्रैल 1930
23 को, कहीं कहीं आपको 30 अप्रैल ही मिलेगा, 30 अप्रैल 1930। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल के लिए केदारनाथ व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख किसमें है? स्कंद पुराण में है हमारा, किसमें? स्कंद पुराण में है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? केदारखंड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? केदारखंड कहा जाता है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगरी तक के क्षेत्र को कहा जाता है? मानसखंड कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी कहाँ पर है? चमोली के, कहाँ पर है? चमोली के अलकापुरी में, चमोली के अलकापुरी में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को उत्तराखंड आज़ाद के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? श्रीधर कौमुठी जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किसे अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू कहा जाता है? आयरिन पंत को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसा इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अल्मोड़ा में जन्मी थी और पाकिस्तान में इनकी शादी हुई थी। ठीक है, किसे टिंचरी माई ठाकुरी देवी के नाम से जाना जाता है? दीपा देवी जी को। किसको? दीपा जी, दीपा देवी जी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस नगर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है? तो उत्तर का वाराणसी किसे कहा था? बागेश्वर को कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को। ठीक है, और उत्तर का काशी किसे जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनका जन्म, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भरत पड़ा, कहाँ पर जन्म हुआ था? उनका कंडवाश्रम में। कहाँ? कंडवाश्रम में। कर्णाश्रम कौन होता है? पौड़ी में। किसके तट पर? मालिनी नदी के तट पर, मालिनी नदी के तट पर। ठीक है, अगला इसी में देखिए, कर्णाश्रम है, देखिए यहाँ पर कर्णाश्रम आंसर दे रखा है। अगला प्रश्न है, खरपड़देव वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? किसने किया था शासन? निम्बर वंश ने शासन किया था। किसके? तीन परिवारों के 14 शासकों ने शासन किया था, तीन परिवारों को। ठीक है, तीन परिवार को 14 शासकों ने शासन किया था, याद रखना आप। ठीक है, पहला किसने किया था? इसके बाद निम्बर वंश के बाद सलोड़ादित्य वंश आए थे। ठीक है, पहले बसंत देव के परिवार ने। ठीक है, तीन वंश थे ये, तीन वंश थे, उनके कितने परिवारों ने शासन किया था? 14। अगला प्रश्न है, किस राजा ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? तो किसने किया था? ईष्टगढ़ ने, ईष्टगढ़ ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ ईष्टगढ़ आंसर है। अगला प्रश्न है, कार्तिकपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? राजभाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। और लोकभाषा क्या थी? लोकभाषा प्राकृत या कहीं कहीं पाली भी मिलेगा। ठीक है, लोग भाषा क्या थी? प्राकृत या पाली, और राजभाषा क्या थी? संस्कृत। अगला प्रश्न है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। 1790 में इसे गोरखाओं ने पराजित कर दिया था और किस पर? कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। कब? 1790 में। और 1790 में ही किसे पहला सूबा बनाया गया था कुमाऊं का? जोगामल साहू को। ठीक है, अगला प्रश्न है, कनकपाल किस वंश का था? पवार वंश का था। ठीक है, इसने स्थापना कब की थी इस वंश की? तो कहीं कहीं 888 मिलता है, कहीं कहीं 688 मिलता है, जो भी आपको मिले ऑप्शन उसको मार देना। ठीक है, जो भी उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उसको लगाना है। अगला प्रश्न हमारा, अशांतिदेव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? फिर के जोशीमठ थी। कहाँ थी? जोशीमठ थी। अगला प्रश्न है हमारा, चंपावत स्थित राजबुंगा का किला किसने बनाया था? राजबुंगा का किला बनवाया था सोमचंद्र ने। ठीक है, किसने बनाया था राजबुंगा का? सोमचंद्र ने। और भीष्मचंद ने कौन सा किला बनवाया था? भीष्मचंद ने कौन सा बनवाया था? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना।
चलिए मैं बता देता हूँ, खगमरा कोट का निर्माण किसने कराया था? खगमरा कोट का निर्माण किसने कराया था? भीष्म चंद ने कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों की सीमाओं को छूती हैं? दो को छूती हैं। किसे? हिमाचल को और उत्तर प्रदेश को। हिमाचल हमारे राज्य के कौन सी दिशा में पड़ता है? पश्चिम दिशा में पड़ता है हिमाचल, कौन सा? पश्चिम दिशा में। और उत्तर प्रदेश दक्षिण दिशा में, उत्तर प्रदेश दक्षिण दिशा में पड़ता है हमारे राज्य के। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य के कितने जिले नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तीन जिले करते हैं, ऊधम सिंह नगर करता है, चंपावत, पिथौरागढ़। और वहीं पूछेंगे, वहीं अगला पूछते हैं, ये तो नेपाल था, अब पूछ लेते हैं तिब्बत को कौन कौन से करते हैं? तो तिब्बत को कौन से करते हैं? तिब्बत को करते हैं चमोली, ठीक है, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ भी। ठीक है, इसमें सिर्फ पिथौरागढ़ कॉमन है, दोनों देशों को स्पर्श करता है, बाकी चमोली और उत्तरकाशी तिब्बत को करते हैं, तीन तीन जिले स्पर्श करते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, टेरी रियासत को किस राजा ने बसाया था? तो किस राजा ने बसाया था टेरी रियासत को? सुदर्शन शाह ने बसाया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के कब्जे में क्या था, पहले अंग्रेज गोरखाओं के कब्जे में था कुमाऊँ, जब कुमाऊँ को एक करार हुआ था सुदर्शन शाह का, किससे? अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया, कहाँ पर? गढ़वाल में। और ये अपनी राजधानी कहाँ ले गए थे? अपनी राजधानी को टेहरी ले गए थे, टेहरी रियासत का निर्माण किया था। तो किसने कहा था? सुदर्शन शाह ने, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टेहरी रियासत की राजधानी टेहरी से हटकर नैन नगर कब लाई गई? तो 1924 में लाई गई थी। ठीक है, 1924 में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कस्तूरी राज्य का संस्थापक कौन था? कस्तूरी का पूछा है संस्थापक निम्बर देव, मगर यह निम्बर देव नहीं होगा, कस्तूरी का कौन होगा? बसंत देव होंगे। ठीक है, कौन होंगे? बसंत देव। कस्तूरी वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव थे, यहाँ गलत थे। ठीक है, बसंत देव थे कस्तूरी वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न है हमारा, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने बताया था खगमरा किले का निर्माण किसने किया था, या खगमरा कोट का निर्माण किसने किया था? भीष्म चंद ने। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का कौन सा शहर गढ़वाल का द्वार कहा जाता है? कोट द्वार को कहा जाता है, क्या? कोट द्वार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का कौन सा शहर गढ़वाल का द्वार कहलाता है? तो क्या है? कोट द्वार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा शहर कुमाऊँ का द्वार कहा जाता है? तो कुमाऊँ का द्वार कौन कहा जाता है? काठगोदाम, क्या? काठगोदाम कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊँ का द्वार, कहीं कहीं आपको हल्द्वानी नहीं मिलेगा, मगर काठगोदाम को याद रखना। ठीक है, काठगोदाम नैनीताल को। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य के पूर्व में कौन से देश राज्य की सीमा लगती है? तो पूर्व में कौन सी लगती है? नेपाल। ठीक है, पूर्व में नेपाल लगती है। उत्तर में कौन सी लगती है? उत्तर में तिब्बत चीन लगता है। ठीक है, उत्तर में तिब्बत चीन लगता है। और ठीक है, दक्षिण में क्या लगता है? दक्षिण में आपको उत्तर प्रदेश लगता है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में कौन से राज्य हैं? पश्चिम में मैंने बताया था कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है पश्चिम में। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? मैंने आपको ऊपर बताया था 888 में की थी, कहीं कहीं 688 मिलेगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊँ क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? चंद राजाओं द्वारा। इनका राज्य चिन्ह क्या था? इनका राज्य चिन्ह था गाय। पंचायती राज पूछ जाएगा तभी किसका आएगा, इन्हीं का आएगा, चंद्र राजाओं का। पंचायती राज प्रणाली किसने शुरू की थी? चंद्र राजाओं ने। अगला प्रश्न है हमारा, गणेश, नारद, मुकुंद, व्यास,
स्कंद गुफाएं कहाँ पर हैं? ये कहाँ पर हैं? ये हमारे बद्रीनाथ चमोली में है। हाँ, बद्रीनाथ चमोली में है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रजातंत्र शासन के लिए 1939 में 4 सदस्य प्रजामंडल की स्थापना किसके काल में हुई थी? किसके काल में हुई थी? मानवेंद्र शाह के काल में हुई थी। किसके? मानवेंद्र शाह के। किसने की थी प्रजामंडल की स्थापना? श्रीदेव सुमन जी ने की थी। श्रीदेव सुमन जी ने की थी दिल्ली में। कब कब की थी ये? 1939 में श्रीदेव सुमन जी ने की थी। उस टाइम कौन था राजा? मानवेंद्र शाह जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य से पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्र सेनानी कौन थे? मोहन सिंह मेहता जी थे। कौन थे? मोहन सिंह मेहता जी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला स्वतंत्र सेनानी कौन थी? बिश्नी देवी शाह थी। कौन थी? बिश्नी देवी शाह। और किस महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ऑर्डर दिया गया था? तो किसे गया था? कुंती वर्मा जी को। किसे? कुंती वर्मा जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड से भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो थल सेना अध्यक्ष कौन थे हमारे? बिपिन चंद जोशी जी थे 1993-94 के में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ये आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, भारत और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल कौन थे? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। कैसे लगे ये प्रश्न? यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।